नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा 6 से 8 अप्रैल तक महिला पुरुष जूनियर सब जूनियर व मास्टर लिफ्टिंग स्टेट चैंपियनशिप का 3 दिवसीय आयोजन रोडवेज के पास स्थित अग्रवाल पैलेस में किया गया। पूर्वांचल के गाजीपुर में पहली बार राज्य स्तरीय जूनियर सब जूनियर व मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ बाहर से आए प्रतिभागियों ने अपने जिले की तख्ती लेकर शहर में रोड शो किया। इस प्रतियोगिता में गाजियाबाद से लेकर बलिया तक की टीमें भाग ले रही हैं। 40 से ज़्यादा शहर से आई टीमों में 325 से ज़्यादा महिला और पुरुष प्रतिभागी अलग अलग भार वर्ग और अलग अलग आयु वर्ग में भाग लेंगे। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में यूपी टीम के खिलाड़ियों का भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता की खासियत यह रहेगी कि इस प्रतियोगिता में स्ट्रांगेस्ट मैन एंड वीमेन ऑफ द यूपी का चुनाव भी किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 53 किलो भार वर्ग से लेकर 105 किलो भार वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सोमेन वर्मा ने कहा, प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें अच्छी और सकारात्मक खेल भावना से जीवन में आगे बढ़ने की बात कही। जो और प्लेयर्स हैं जो इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो रह सकते हैं, वो भी और उत्साहित होंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि चैंपियनशिप जो पहली बार इस बार इस जनपद में हो रहा है, ये लगातार आगे इसी जनपद में होता जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अरविंद कुमार शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, सीनियर एशिया चैंपियन। अरविंद जी, आज जो आप लोग कार्यक्रम करा रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इसका? मेन उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हैं गाजीपुर के या और भी डिस्ट्रिक्ट के, तो हम लोग की इच्छा यही है कि मतलब स्पोर्ट्स में अपना नाम, देश का और जिले का नाम रोशन करें। किस तरह का कार्यक्रम होगा या कितने दिन का कार्यक्रम है ये? 3 दिन का कार्यक्रम है। 6, 7, 8 अप्रैल को होगा ये कम्पटीशन। यूपी चैंपियनशिप हो रहा है पावर लिफ्टिंग गाजीपुर। इसमें भाग ले रहे हैं, इसमें 22 जिले के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिस लगभग 400 के आसपास खिलाड़ी भाग लेंगे। महिला पुरुष दोनों का ही कंपटीशन है। इसमें मास्टर, सब जूनियर और सीनियर का कंपटीशन हो रहा है।